कुकिंग में यूज होने वाले बर्तन आपको नुकसान कर सकते हैं। कौन से बर्तन बेस्ट है आपकी हेल्थ के लिए, जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर देवेंद्र डांगर एंड वेलकम टू एपिसोड 6 ऑफ द सीरीज ईट हेल्दी विद विटामिंस। सबसे पहले बात करते हैं मेटल कुकवेयर की। दिस इंक्लूड्स एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रास एंड आयरन वेसल्स। इन वेसल्स में कुक करने से ये मेटल्स फूड में मिक्स हो जाते हैं। इसे कंफर्म करने के लिए आप नए बर्तन का वजन कीजिए और सेम बर्तन का वजन 2-3 महीने बाद कीजिए, तो उसका वजन कम होगा। ये मेटल्स भारी मात्रा में शरीर में जाने से शरीर को नुकसान कर सकते हैं। एसिडिक फूड्स जैसे सांभर, चटनी, आचार, सॉस, ये सभी इस मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं और खाने को अनसेफ बनाते हैं। बात करते हैं नॉन स्टिक वेसल्स की। इनमें टेफ्लॉन का कोटिंग होता है और इन्हें 170 डिग्री से ज़्यादा हीट करने से इनमें से केमिकल्स रिलीज होते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान कर सकते हैं। अगर आपके नॉन स्टिक वेसल्स में कोटिंग पील हो रही है या डैमेज हो गई है तो उसका यूज ना करें। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेनाइट स्टोन कुकवेयर की। ये हीट और टाइम दोनों बचाते हैं, बट इनमें भी अगर टेफ्लॉन की कोटिंग है तो ये नुकसान कर सकती है। और अब बात करते हैं स्टेनलेस स्टील की। ये जनरली सेफ होते हैं, इनमें जंग नहीं लगता और ये ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं। ये किसी भी फूड के साथ रिएक्ट नहीं करते। और सबसे लास्ट में बात करते हैं अर्थन पॉट्स यानी मिट्टी के बर्तन की। ये सबसे सेफ है क्योंकि इनमें कोई रिएक्शन नहीं होता। इनमें कुक करने के लिए बहुत कम ऑयल की ज़रूरत पड़ती है। ये हीट को ज़्यादा रिटेन करते हैं और स्टोव को बंद करने के बाद भी ये गर्म रहते हैं। ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है और सारे न्यूट्रिएंट्स को इंटेक रखते हैं। फ्रेंड्स, हम कंक्लूड कर सकते हैं कि मिट्टी के बर्तन सबसे बेस्ट है और हेल्थ एंड एनवायरमेंट बोथ। स्टेनलेस स्टील भी सेफ है, लेकिन मेटल्स और नॉन स्टिक को अवॉइड कीजिए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी तो ज़्यादा लोगों को अवेयर कीजिए और आप कमेंट करके बताइए आप घर में कौन से वेसल्स यूज़ कर रहे हैं।